ओके, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोइन्फॉर्मेटिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीनोमिक्स देखा था और थोड़ा सा बेसिक्स इसका देखा था। आज की क्लास में हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स को देखेंगे। इट्स अ वेरी रीसेंट ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मर्ज करती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? ओके, सो एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट अप्लाइज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रमोट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्प करती है आपको क्या टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोकेमिकल पाथवेज होते रहते हैं, तो वो उनका क्या इफेक्ट है, वो कैसे काम करते हैं, उनको समझने में ये बहुत हेल्पफुल है होते हैं। तो अभी हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे और उसकी ज़रूरत क्यों है वो भी देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसेस टू स्टोर शेयर एंड ऑब्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जीन स्ट्रक्चर, जीन सीक्वेंस एंड एक्सप्रेशन, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या होता है, क्योंकि जीनोमिक्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग जेनेटिक स्ट्रक्चर जीन वगैरह का एनालिसिस करेंगे या फिर प्रोटीन का करेंगे तो एक लॉट ऑफ डेटा जनरेट होता है, बहुत सारा डेटा जनरेट होता है जो कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है इतना एनालिसिस करना। तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। सो इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से मिलकर आपका क्या बनता है, पॉपुलेशन, ठीक है। इसी पॉपुलेशन के अंदर आप लोग देखोगे क्या होता है, इवोल्यूशन होता रहता है, ठीक है। इवोल्यूशन लगातार म्यूटेशंस वगैरह होते रहते हैं, उसमें क्या होता है, इस तरह से हमारा जीन्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लेकिन उसमें म्यूटेशन के कारण क्या होता है कि आपका आरएनए से प्रोटीन बनता है लेकिन म्यूटेशंस वगैरह के कारण एक नया फिनोटिपिक करेक्टर आ जाता है। ये नया फिनोटिपिक करेक्टर से वो स्पीसीज डिफरेंट हो जाती है। तो इस टाइप का एक फ्लो जो है आपके जो भी पॉपुलेशन है या इंडिविजुअल है उसमें होता रहता है, और इसी प्रोसेस को समझने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों ने अभी अभी कोरोना वायरस का देखा हुआ है पेंडेमिक, तो ये पहले से जो वायरस था उसी में म्यूटेशन की वजह से एक नया वायरस की स्पीसीज जो कि नई प्रॉपर्टी के साथ बन गया, ठीक है, इवॉल्व हो गया। तो इस टाइप का एक प्रोसेस ये चलता रहता है, इसको समझने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्पफुल होता है आपके। सो वी कैन गेन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीसीज, ठीक है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसे एक्चुअली, जैसे मैंने बताया, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, तो इसमें बायोलॉजी भी मिलेगी आपको, केमिस्ट्री भी है, कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फिर इन सारे कंप्यूटर साइंस की हेल्प से स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम अपने डेटा को वैलिडेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका बीच में मतलब कंबाइन आपका एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है इस ब्रांच। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पीछे जाएं तो हम लोग देखते हैं कि 1956 में आपका फर्स्ट सीक्वेंस आया था, दैट इज क्या, कौन सा सीक्वेंस था, इंसुलिन का। इंसुलिन वॉज सीक्वेंस, इट्स ए 51 एमिनो एसिड। इसके बाद धीरे धीरे और रिसर्च हुई, प्रोटीन सीक्वेंसेज आए, PIR प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स जनरेट हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हुआ था, ईस्ट ट्रांसफर आरएनए, दैट इज 77 बेसेस। और इसके बाद आया आपका 3D स्ट्रक्चर, आप प्रोटीन को 3D स्ट्रक्चर बना सकते थे, उसको एनालाइज कर सकते थे, PDB वाज मेड। एंड फर्स्ट कंप्लीट जीनोम वाज अ प्री लिविंग वायरस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, उसको फिर पब्लिश किया गया 1995 में। दीज आर द सम ऑफ द पाथ मेकिंग हिस्ट्रीज ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ओके, वाई डू वी मूव टूवर्ड्स द यूज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हम लोग ऑलरेडी वेट लैब का काम कर रहे थे बायोलॉजी में, ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, क्यों हमें ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक ब्रांच का जनरेट, मतलब एक ब्रांच इवॉल्व हुई फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि फास्ट इंक्रीज इन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई मार्केट में,
वैसे वैसे क्या हुआ, बहुत सारी रिसर्च कंटिन्यू हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड। अब उसमें क्या है, एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन डेटा बेस, एक बहुत ज्यादा डेटा का क्रिएशन हुआ। बायोलॉजिकल साइंस हैज नाउ टर्न इन टू डेटा रिच साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस एक कन्वेंशनल साइंस नहीं रह गया, इट्स नाउ टर्न इन टू द डेटा रिच साइंस। अलग अलग लैब्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एक ही स्पीसीज पे काम हो रहा है और अलग अलग टाइप के डेटा जनरेट हो रहे हैं। तो जरूरत थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे ये डेटा हम लोग फीड कर सके और सारे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट वहाँ पे उसको एनालाइज कर सके, क्योंकि सेम ही स्पीसीज पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन पे आपका काम हो रहा है, होमो सेपियंस पे, यही ह्यूमन पे सब वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ह्यूमन के जो डेटाबेस है उसको हमने कंप्यूटर में इंटरनेट पे उसको डेटाबेस अपलोड कर दिया। किसी एक लैब में काम हो रहा है, फिर बी लैब में काम हुआ तो उसने भी अपलोड किया। इस तरह से डेटाबेस का एक पूरा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड हो गया विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सिक्वेंस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस सो दैट दे कैन मैनिपुलेटेड इजली। ठीक है, मैनिपुलेटेड मतलब उसको आप आसानी से जो सीक्वेंस लेंगे उसको आसानी, जैसे इंसुलिन का आपने लिया उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके उसकी स्ट्रक्चर आप मतलब कई चीजें आप एनालिसिस कर सकते हैं। डेटाबेसेस आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। डेटाबेसेस को डिफरेंट जगहों पे लोकेट किया गया, अलग अलग वेबसाइट्स पे वो किया गया। दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस सो दैट दे आर अप टू डेट एंड सिग्नल। लगातार ये डेटाबेस अपडेट होते रहते हैं, लगातार वर्ल्ड वाइड में रिसर्च होती रहती है और ये डेटाबेसेस अपडेट होते रहते हैं। तो आज की डेट में आपके पास कोई अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी लैब में फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन तब भी आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेटाबेस। आप लोग डेटा साइंस का एक रिसर्च कर सकते हैं। तो यू कैन एनालाइज द जीन सिक्वेंसेज, यू कैन एनालाइज एनालाइज द अमाइनो एसिड सिक्वेंसेज इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जो यूनिट होती है अमाइनो एसिड, तो उसके एनालिसिस कर सकते हो। जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनता है, उसकी मोटिव्स, उसके डोमेन्स, वो कैसे बाइंड करेगा, उसकी स्टडी कर सकते हैं। यू कैन स्टडी स्ट्रक्चरल डेटा फ्रॉम XRD, NMR, जो इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है प्रोटीन के, उसकी एनालिसिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ XRD, NMR टेक्नोलॉजी। मेटाबॉलिक पाथवेज, ये प्रोटीन कैसे काम करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज में प्रोटीन मतलब एंजाइम्स, तो ये कैसे काम करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज में, वो आप एनालाइज कर सकते हो। प्रोटीन प्रोटीन का इंट्रैक्शन हो सकता है, वो कैसे होगा वो एनालाइज कर सकते हो। यू कैन एनालाइज वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट, मतलब बायोलॉजी में ही आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एनालिसिस कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये अपलोड है। आप लोगों को बस सीखना है वेरियस टूल्स कि कैसे इनकी एनालिसिस होगी, एंड यू कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, सो वी नीड टू, कैसे करेंगे आप, मैं अभी आपको डेटाबेसेस भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं हमारे पास जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च में हेल्पफुल होते हैं। वी हैव सिक्वेंस एंड आइडेंटिफाइड जीन सो वी नो वाट दे डू। डिफरेंट डिफरेंट लैब में जीन्स को एनालाइज किया गया, एक ही स्पीसीज पे जीन्स एनालाइज किए गए और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है सीक्वेंस जो है वो अपलोड किए गए, सो दैट वी कैन नो दैट वाट कैन दे डू। ठीक है, जीन क्या करते हैं हम लोग जान सकते हैं। सिक्वेंसेज आर स्टोर्ड इन डेटाबेसेस सो वी फाइंड अ न्यू जीन इन द ह्यूमन जीनोम, वी कंपेयर इट द ऑलरेडी फाउंड फाइंड जीनोम विच आर स्टोर्ड इन द डेटाबेसेस। वेट अ मिनट, ओके, सो वी फाइंड अ न्यू जीन इन ह्यूमन जीनोम, वी कैन कंपेयर इट विथ ऑलरेडी फाउंड जीन विच आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो आपको एक नया जीन मिल गया है ह्यूमन में, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन जीनोम अपलोडेड है डेटाबेसेज में। सो सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेसेज, वी कैन नॉट डू सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर ईच एंड एवरी सीक्वेंस। ठीक है, ये हेल्पफुल है इस तरह के। अब ये आते हैं हम लोग डेटाबेसेज में, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब क्या काम करते हैं उस पर भी किया गया है। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन प्राइमरी से यूजेस पे करते हैं, हम लोग इस वाले को डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, डेटाबेसेस बेस्ड ऑन डेटा टाइप, बेस्ड डेटा सोर्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला इसके
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हम लोग डेटाबेसेस को ऐसे भी डिवाइड करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंपोजिट डेटाबेस, समझे, बेसिकली ये डेटाबेसेस होते हैं। तो प्राइमरी डेटाबेसेस में क्या है, दे कंटेन्स ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द रिसर्चर। आपने कोई रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च किया, ठीक है, तो उसने एक डेटाबेस जनरेट किया अपनी रिसर्च में, उसको वो इसमें अपलोड करेगा प्राइमरी डेटाबेसेस में, ठीक है। मतलब एक रॉ डेटा जो कि उसने रिसर्च में फाइंड किया, जनरेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट लाइक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड 3D स्ट्रक्चर, तो ही विल अपलोडेड ऑन प्राइमरी डेटाबेसेस। पब्लिक और ओपन एक्सेस मोस्टली, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दीज आर द डेटाबेसेस, जीन बैंक, DDBG, EMBL, PIR, PDB, दीज आर द वेरियस सिसप्रोट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वेरियस डेटाबेसेस हैं, जैसे EMBL, यूरोप, जीन बैंक, ये सारे न्यूक्लिक एसिड्स के डेटाबेसेस हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनका अलग अलग नाम है एज पर देयर मतलब कंट्री। EMBL है, जीन बैंक, DDBG। इसी तरह प्रोटीन में डेटाबेसेस आप देखिए, PIR, MIPS, सिसप्रोट, ट्रिम्बल, दीज आर द वेरियस डेटाबेसेस। अब सेकेंडरी डेटाबेसेस क्या होता है, सेकेंडरी डेटाबेसेस इट कंटेन्स द डेटाबेसेस डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी डेटाबेसेस। अब कोई दूसरा रिसर्चर है जिसके पास लैब फैसिलिटीज नहीं है मान लीजिए, या फिर वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर वो कंप्यूटर जानता है, तो वो क्या करेगा कि उस डेटाबेसेस को डायरेक्टली ले लेगा प्राइमरी डेटाबेसेस से, और अपने टूल्स लगा के उसकी एक नई एनालिसिस करेगा, उस पर नया स्टैटिस्टिक्स लगाएगा, और वो कई मल्टीपल डेटा डेटाबेसेस मल्टीपल डेटा को कंपेयर करेगा आपस में, उसको हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी डेटाबेसेस, और उसके रिजल्ट को पब्लिश करेगा कहाँ पे, सेकेंडरी डेटाबेसेस। सो स्टोर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स ऑफ सर्चेज एंट्रीज ऑन प्राइमरी डेटाबेसेस, मैनुअली क्रिएटेड एंड ऑटोमेटिकली जनरेटेड। तो एग्जाम्पल इसके देखिए यहाँ पे क्या क्या है, प्रोस साइट प्रिंट्स, प्राइमरी सोर्स इसके ये हैं ओल प्रोट, दीज आर सेकेंडरी डेटाबेसेस। अब आते हैं कंपोजिट पे, इट कंबाइंस बोथ, इट कंबाइंस वेरियस डिफरेंट प्राइमरी डेटाबेसेस रिसोर्सेज, दिस मेक्स सर्चिंग द क्वेरी मोर इफिशियंट। सो कंपोजिट डेटाबेसेस अमलगमेट वेरियस प्राइमरी डेटाबेसेस फॉर इजी एक्सेस, ठीक है। तो दीज आर द कंपोजिट डेटाबेसेस, कंपोजिट डेटाबेसेस में दोनों ही आ जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव वन बाय वन। सीक्वेंस डेटाबेस कंटेन बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस डेटाबेस, सीक्वेंस कहाँ पे होगा आपका, ये वाला, ये है DNA के केस में, है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के केस में जीन वगैरह के जो रिसर्च होती है उसमें न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस को स्टोर किया जाता है कहाँ पे, जीन बैंक वगैरह में, कलेक्शन ऑफ रॉ एनोटेटेड न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज प्रोटीन इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें से कौन सी प्रोटीन बन सकती है उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसमें है। मेंटेन एंड एक्सेस थ्रू NCBI, NCBI बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो क्या नाम है उसका, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, NCBI। NCBI एक्चुअली इज ए गोल्ड माइन फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मतलब मिल जाएगा, दैट क्रिएट्स पब्लिक एक्सेस, पब्लिकली दीज आर एक्सेसिबल एंड यू कैन डेवलप न्यू कंप्यूटर टूल्स और मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन जनरेट। ओके, सो दिस इज द एग्जाम NCBI का एक मैंने यहाँ पे आपको वो दिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सपोज करिए NCBI की वेबसाइट पे आपने इंसुलिन को टाइप किया, तो आप देखिए कितना ज्यादा आपको यहाँ पे वो मिल गया, डेटा मिल गया, मतलब 63,446 सीक्वेंसेज आपको डेटा इंसुलिन के ही मिल गए, मतलब अलग अलग रिसर्चर ने इसमें अपलोड कर रखा है अपने डेटा को अलग अलग स्पीसीज में, या जैसे उन्होंने फाउंड किया है उन्होंने अपने रिसर्च को इसमें अपलोड कर दिया है। तो इस टाइप से ये आपको खोलेंगे तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा, दीज आर द सीक्वेंस, ठीक है। फिर इसमें आप ब्लास्ट कर सकते हैं, यूज टू सर्च जीन बैंक, आपने सीक्वेंस खोला और उस पर्टिकुलर आपको जीन चाहिए, आपने उस जीन के न्यूक्लियोटाइड को कॉपी किया और उसमें पेस्ट किया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी स्पीसीज में पाया जाता है, इसको आप ब्लास्ट की मदद से सर्च कर सकते हो, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ओके, यूरोपियन मॉलिकुलर लेबोरेटरी, ये यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेंटेन बाय 20 यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ये एक मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 20 यूरोपियन कंट्रीज 1974 में इसको डेवलप किया गया था। इट डेवलप्स एंड मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेसेस एंड साइंटिस्ट कैन एक्सेस द डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट।
ये है इसकी वेबसाइट। यहाँ पे भी आप इंसुलिन को सर्च करेंगे तो अलग अलग से आपको यहाँ पे भी आपको रिसर्च डेटा मिलेंगे। फिर आते हैं डेटा बैंक ऑफ जापान, DDBJ, है ना, यहाँ पे भी एक डेटाबेस है, ये भी एक DNA। फिर आते हैं प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस। तो डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस आर अवेलेबल आर द फॉलोइंग प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। मैगार्ड डे हॉफ, द इन्वेंटर ऑफ प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, 1960s में इसको NBRF फाउंडेशन के द्वारा इसको क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। 2002 में क्या हुआ, प्रोटीन इंफॉर्मेशन एंड इट्स वर्ल्ड वाइड पार्टनर EBI स्विस, ये सारे मिलके ग्रांटेड एन अवार्ड फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH टू मेक यूनिपोर्ट, ठीक है। और मर्ज किया इन्होंने, मतलब सारी डेटाबेसेज इंफॉर्मेशन को इन्होंने मर्ज करके एक नया बना दिया, यूनिपोर्ट। यहाँ पे ये है, दिस इज द साइट, वेबसाइट। आप लोग इसको भी सर्च करिएगा, अपना देखिएगा कैसे काम करता है ये, बड़ा यूजर फ्रेंडली है। ओके, प्रोटीन डेटा बैंक, अनदर, दिस इज द स्ट्रक्चरल डेटाबेस। प्रोटीन का स्ट्रक्चर करना है आपको, वेक्टर डिजाइन करना है, कंसेप्ट डोमेन डेटाबेस है। तो दीज आर द वेरियस डेटाबेसेस, ये है वेबसाइट्स, लिटरेचर डेटाबेस। अब जो पेपर पब्लिश होते हैं या फिर जो भी लाइब्रेरी ऑफ लाइफ साइंसेस वर्क डन, इन पे काम हुआ है तो वो भी एक लिटरेचर में आता है, तो उसको भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल मेथोडोलॉजी, उन्होंने कैसे वो रिसर्च की, उसके लिए ये डेटाबेसेस स्टेबलाइज किए गए हैं, इससे फर्दर जो रिसर्चर्स हैं उनको, आने वाले रिसर्चर्स को हेल्प मिल सके। पाथवे, केग पाथवे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दीज आर द वेरियस डेटाबेस। यहाँ पे आप जान सकते हो क्या, यहाँ पे बायोकेमिकल पाथवेज के बारे में जान सकते हो, ये प्रोटीन पर्टिकुलर एंजाइम किस किस पाथवे में कैसा कैसा क्या काम करता है, ठीक है, वो इसमें आप लोग आसानी से जान पाओगे। तो दीज आर द मॉलिकुलर बायोलॉजी पाथवेज डेटाबेसेस। फिर आते हैं केमिकल डेटाबेसेस पे। केमिकल डेटाबेसेस में क्या है, जैसे कि ड्रग्स है, ठीक है, मतलब कोई केमिकल मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में, इसकी एनालिसिस के बारे में यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। एंजाइम डेटाबेसेस कवर एक्सटेंसिव, अब प्रोटीन तो है ही, ये प्रोटीन तो कई पार्ट अदा करता है, वो स्ट्रक्चर भी है और ये एंजाइम के रूप में भी है, तो एंजाइम के अलग ही डेटाबेसेस बना हुआ है, ठीक है। वेरियस एंजाइम डेटाबेसेस अवेलेबल आर द फॉलोइंग, एक्सपेसी, ब्रेंडा, रीबेस, ईसी एंजाइम डेटाबेस। डिजीज डेटाबेस, डिजीजेस का भी डेटाबेस है। डोमेन डेटाबेस, एंसेंट डोमेन, जो पुराने जो एंसेंट DNAs हैं उनके, उनका डोमेन है। जीनोम डेटाबेस, जो हम लोग देखा भी, जीनोम डेटाबेस आर कलेक्शन ऑफ जीनोम सिक्वेंसेज ऑफ मेनी सिक्वेंसेज, पूरा होल जीनोम ही आपको मिल जाएगा, मतलब जीन तो मिलता ही है, होल जीनोम का भी डेटाबेस अवेलेबल है हर स्पीसीज वाइज। एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था 1990s में, और उसमें काफी कई 20 सेंटर्स इन 18 कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट जो एडवांस्ड कंट्रीज थी उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और एक ह्यूमन जीनोम का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और आज की डेट में हमारे पास क्या है, ह्यूमन का पूरा जीनोम है। तो उससे मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज जेनेटिक वेरिएशन एमंग ह्यूमन, दिस इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म, मैप सीक्वेंस जीनोम्स ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, राउंड वर्म, फ्रूट फ्लाइज, डेवलप न्यू लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सच एज हाई पावर्ड ऑटोमेटेड सिक्वेंसर। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी कैन डू दैट, डिसिमिनेट जीनोम इंफॉर्मेशन एमंग साइंटिस्ट एंड जनरल पब्लिक। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक ये ह्यूमन का क्रोमोसोम्स है और इस पर कितने सारे जीन्स जो है लगे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है। वन नंबर क्रोमोसोम पे कितना, 4000 जीन्स आप मिले हैं। इसी टाइप से अलग अलग जीन्स का ये एक ह्यूमन का दिया गया है इस ग्राफ में, कि 22 पेयर ये हो गए आपके ऑटोसोमल और फिर 2 सेक्स पेयर वाले XY, उस पर कितने जीन्स आपके ये लगे हुए हैं। तो वाट वी हैव लर्न फ्रॉम ह्यूमन जीनोम या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, वी हैव सीन दैट 50% जो हमारे जीन्स है वो काम ही नहीं कर रहे, डोंट येट हैव एनी फंक्शन। मतलब कि 50% जीन्स का या तो हमें फंक्शन नहीं पता है, उनके बारे में हम लोग को नहीं जानकारी है। तो ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3.1 बिलियन बेस पेयर, जीनोम इज अप्रॉक्सीमेटली 99.9%। अगर दो इंडिविजुअल लेंगे उसमें 99.9% जो है अलग अलग नेशनलिटीज में सब सेम्स है, ठीक
है, सब सेम रहेंगे बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ एनी नेशनलिटी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज SNP एंड कॉपी नंबर CNVs, तो ये सारा इन सारे के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और टोटल जीनोम का ओनली 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर जीन, जो टोटल आपको कोड मिला है 98% कोड जो है उसके बारे ओनली उसका 2% ही जीनोम जो है वो जीन्स के लिए कोड करता है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द DNA इज नॉन प्रोटीन कोडिंग, ठीक है। रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस अमाउंट आर एटलीस्ट 50% ऑफ नॉन कोडिंग। तो बहुत सारा हमको ये पता चला इसकी एनालिसिस से कि ओनली 2% जो है हमारे जीन्स जो है दैट इज कोड्स फॉर अ जीन, बाकी सारा नॉन कोडिंग है, नॉन प्रोटीन कोडिंग है, इंट्रॉन्स जिसे बोलते हैं हम लोग वो है, वो रिपीटेटिव है और एटलीस्ट 50% ऑफ नॉन कोडिंग DNA। जीनोम कंटेंस अप्रॉक्सिमेटली 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स, अगर 2% में अगर हम लोग प्रोटीन कोडिंग जीन दे रहे हैं इट इज अराउंड 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हमारे। सो मेनी ह्यूमन जीन्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मोर देन वन प्रोटीन, कोई एक कई जीन्स ऐसे भी हैं जो कई प्रोटीन एक एक ही जो जीन है वो कई प्रोटीन बना सकता है। अलाउंग ह्यूमन सेल्स एट लीस्ट 100,000 प्रोटीन फ्रॉम ओनली 20,000। तो अब 20,000 जीन से कितने प्रकार के देखिए प्रोटीन बन रहे हैं, 100,000 प्रोटीन, कितना डाइवर्स मतलब इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है विद द हेल्प ऑफ दिस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। क्रो इस तरह की एनालिसिस आप ह्यूमन जो है नहीं कर पाते कभी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन नाउ नो दैट वी हैव 20,000 जीन विच कैन कोड फॉर 100,000 प्रोटीन। क्रोमोसोम नंबर वन के बारे में, द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स हम लोगों ने देखा था अभी पिछले ग्राफ में, क्रोमोसोम नंबर वन जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स है जबकि क्रोमोसोम नंबर वाई हैज द फ्यूएस्ट जीन्स। थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन डिजीज जीन हैव आइडेंटिफाइड एंड मैप्ड टू देयर क्रोमोसोमल सीक्वेंस। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओमिक्स रिवोल्यूशन आ चुका है, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, सब में ओमिक्स जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मेटाजिनोमिक्स, एनालिसिस ऑफ जीनोम, जो हम लोग को एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म मिलता है उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, और कोई ड्रग कैसे हमारे उस पर इफेक्ट डालेगी वो भी हम मेडिसिन का जो है पर्सनल की जेनेटिक प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, फार्माकोजेनोमिक्स, न्यूट्रोजेनोमिक्स, न्यूट्रिशनल जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कैसे काम करता है उसका इंटरेक्शन हम लोग जीन्स और डाइट का इंटरेक्शन जान सकते हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आपके सिग्निफिकेंस हैं कि क्या क्या चीजों की एनालिसिस फ्यूचर में आपकी हो सकती है। नाउ वी कैन कंपेयर द जीनोमिक मैपिंग सीक्वेंस जीनोम्स फ्रॉम नंबर ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इन अ वे, और उसको अलग अलग हम लोग उससे स्ट्रक्चर और फंक्शन इन बोथ स्पीसीज वी कैन कंपेयर। इसके अलावा हम लोग पैलियोजिनोमिक्स कर सकते हैं, पुराने DNA की एनालिसिस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम लोगों में वेरिएशन हो गई फ्रॉम पुराने मतलब एंशेंट DNA से। व्हाट विल वी डू आफ्टर 10 ईयर्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हम लोग क्रिएट मैप्स ऑफ एपिजेनेटिक चेंजेस, डिफरेंट सेल एंड टिश्यू टाइप्स, इस पर सब पे काम हो रहा है। इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट, इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ SNPs ऑफ रोल इन जीनोम वेरिएशन, जो SNPs है ना वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक न्यूक्लियोटाइड आपका चेंज हुआ आपका फिनोटाइप चेंज हो गया, तो वो सारा जो चीज़ें हैं उसकी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। फार्माकोजेनेटिक ये हेल्पफुल किस्में का जीनोम वेरिएशन एनालिसिस डिजीज में, डिफरेंट डिफरेंट अल्जाइमर्स हुआ, शिजोफ्रेनिया हुआ, ये सारे डिजीजेज हैं जो कि जेनेटिक हमको अपने माता पिता से मिलते हैं, उनकी एनालिसिस में ये हेल्पफुल होगा। फार्माकोजेनोमिक्स एप्लीकेशन, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ DNA इन कोड, यूज एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स टू ID, ठीक है, हम इंडिविजुअल का बायोइन्फॉर्मेटिक्स ID प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके पूरी फंक्शनल जीनोमिक्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पर्सनलाइज जीनोम प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल अपना जीनोम प्रोजेक्ट खुद बनवा सकते हैं, है ना, उनको कौन सी मेडिसिन काम करेगी उनके ऊपर, कौन सा किस तरह की उनको डाइट लेनी चाहिए, वो सारा कुछ पर्सनलाइज हो जाएगा फ्यूचर में। कैंसर जीनोम, कैंसर में बहुत बड़ा रोल है इसका, मैप इंपॉर्टेंट जीन, आपका पूरा जीन जो है सीक्वेंस हो चुका होगा, अगर किसी भी जीन्स में कोई चेंजेस हुआ तो तुरंत पता चल जाएगा, वी कैन मैप इंपॉर्टेंट जीन्स एंड चेंजेस इन कैंसर। दीज आर द सिग्निफिकेंस